राजस्थान में आज छात्र संघ चुनाव को लेकर ऐतिहासिक चुनाव परिणाम देखने को मिले। यहां मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पर हुए छात्र संघ चुनाव में आए परिणाम को देखें तो यहां एबीवीपी के कुलदीप सिंह ने एनयूसीआई के देव सोनी को हराया है और 1158 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान के इस छात्र संघ चुनाव के इतिहास में यदि देखें तो पूरा पैनल है वो एबीवीपी का दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो मीरा गर्ल्स कॉलेज पर भी एबीवीपी के पूरे पैनल ने बाजी मारी है। संभाग की बात करें तो अधिकांश कॉलेज में एबीवीपी के अध्यक्ष बनते हुए साफ देखे जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव जो है वो अपने आप में एक अहम माने जाते हैं और इस साल के चुनाव अपने आप में एक अलग ही दिशा और दशा तय कर रहे हैं। इसको लेकर ये तो कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी कहीं न कहीं युवाओं का वर्चस्व देखा जा सकेगा। यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि युवा वोटर से वो किस तरफ अपना उत्साह दिखा दे रहे हैं, ये भी इसमें साफ देखा जा सकेगा। आइए, छात्र संघ चुनाव में आज किस तरह की तस्वीरें रही है और इस चुनाव को लेकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह का क्या कुछ कहना है, इन तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। ये जीत मेरी नहीं है, ये उन तमाम छात्रों की जीत है जो इस संघर्ष में मेरे साथी थे, उन मेरे बड़े भाइयों की जीत है जो मेरे इस समय में साथी बने और साथी बने, मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ाया और लास्ट समय तक मेरे साथ में खड़े, ये सब उन, ये पूरी जीत उनको समर्पित। सबसे पहले नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम लगातार एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा चुनाव परिणाम इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरा पैनल है वो एबीवीपी का आज चुनाव जीतने में अपने आप में एक अलग ही इच्छा शक्ति लेकर दिखाई दे रहा है और ये जो चुनाव परिणाम है इसको आगामी विधानसभा चुनाव उसमें भी एक बहुत अलग अंदाज से देखा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहेंगे कि जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम आने से पहले तक की जो मेहनत थी उसमें एबीवीपी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में एक अलग ही अंदाज में मेहनत करते हुए दिखाई दिए। यहाँ के जो समर्थक है वो भी लगातार मेहनत कर रहे थे। कुलदीप सिंह के चुनाव जीतने के बाद इनके समर्थकों में किस तरह की खुशी है उनसे जानते हैं। क्या कहना है, इस जीत को कैसे देखते हैं? विशेष तौर पर मैं इस चुनाव में छात्र शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने सिर्फ कुलदीप सिंह सुभावत की जीत तय नहीं की, उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा और एक राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत की है जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे राजस्थान में लहराएगी। यह जीत युवाओं की जीत है और युवा जिस तरफ चलता है जीत उसी तरफ दर्ज होती है। राष्ट्र न्यूज में हमने आपको छात्र संघ चुनाव की जुड़ी हर खबर तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।